ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः। मूकं करोति वाचालम् पंगुमलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम विश्वानिदे सवितरि दुरितानि परास्व यद भद्रं तन्नयास्व शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रभु की कृपा से शस्य श्यामला भारत की यह महाकौशल की धर्मधरा जहां कल्याणी वेण गंगा का सानिध्य हमें प्राप्त है, जहां दिघोरी जैसा तीर्थ नर्मदा का नैकट्य, जहां की समूची प्रकृति और परिवेश में पवित्रता, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, आचरण की पारदर्शिता, शुभ कर्म संलग्नता और सनातन धर्म के रक्षण पोषण अभिवर्धन की संवेदनाएं विद्यमान हैं। ऐसे सिवनी छपारा के इस मधुबन में मंचस्थ यति समूह, यतीन्द्र कुलतिलक, वंदनीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज, जो भारत की यति परंपरा में एक सिरमौर हैं और हम सबके आदर्श हैं, ऐसे भगवत स्वरूप पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के आशीष अनुग्रह और उनकी स्नेहिल संवेदनाओं को मुझ तक पहुंचाने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज और उन्हीं के वाम पार्श्व में बैठे पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र ब्रह्मचारी जी, मेरे दक्षिण पार्श्व में बैठे आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी अपूर्वानंद जी, आचार्य मंडली, व्यास मंडल और इस समूचे कार्यक्रम की नाभिकीय सत्ता, इस आध्यात्मिक अनुष्ठान
कि सूत्रधार माननीय आदरणीय ठाकुर हरबंस सिंह जी और उनकी सहधर्मिणी आदरणीय भगनी पवन बाई जी और उनके बंधु बांधव परिजन पुरजन और आप सब के सत्संकल्प से आहूत मधुरा मंगला कल्याणी मोक्ष प्रदा श्री हरि कथा श्री राम कथा के इस पावन सारस्वत परिसर में आप सबकी आस्था आपका विश्वास आपके वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहां बैठे हैं आपकी उस आध्यात्मिकता दैवी संपदा पारमार्थिक प्रवृत्ति और श्रवण निष्ठा के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए सृष्टि में आरंभ और अवसान दोनों हैं। ये सच है कि ये कोई समाहार समापन अवसान विसर्जन या किसी प्रसंग की पूर्णता के पल नहीं है। पर आवाहित देवताओं के एक अनुष्ठान के चर्म के पल हैं जो अत्यंत प्रासादिक हैं पवित्र हैं महनीय हैं। हमारी संस्कृति में आह्वान आवाहन उपचार का पहला चरण है और विसर्जन अंतिम जिसमें जो शेष है वह निर्माल्य है प्रसाद है उसमें आशीष है अनुग्रह है इष्ट की कृपा है देव अनुकूलता है पितरों की प्रसन्नता है अंतःकरण उत्साह होता है। इसलिए बच गई विभूति वे यज्ञ शेष अत्यंत कल्याणकारी है। विसर्जन मांगलिक हो यह संस्कृति निरंतर संकेत देती है। भारत की मृत्युंजयी कालजयी सनातन संस्कृति विसर्जन के मांगल्य विसर्जन में पूर्णता बोध हो वह रस सिद्ध हो सिद्धिदायक हो समाधानकारक हो तृप्तिदायक हो उसमें पूर्णता निहित हो ऐसे संकेत देते हैं। जो चूल्हे में लकड़ियां जल जाती हैं उधर की अग्नि को शमन करने के लिए वे तो राख कहलाती है लेकिन जो समिधा बनकर यज्ञ कुंड में अग्नि में होम हो जाती है वे समिधा विभूति और भस्म कहलाती है वे माथे पर लगाने के योग्य है। उसे यति योगी तन पर भगवत प्रसाद मानकर रमा लेते हैं पर चूल्हे की राख तो ऐसे कहीं कूड़ेदान में फेंक दी जाती है उसके प्रति न तो आदर रहता है और न किसी प्रवाह में वह अर्पित कर दी जाए और वह कोई प्रासादिक वस्तु है ऐसा सम्मान भी नहीं।
पर यज्ञ की विभूति वह राख नहीं कहलाती, वह विभूति भस्म कहलाती है। योगी मस्तक पर लगाता है। देखना यह है कि जीवन कैसे होम हुआ, हम जिए कैसे। जो कुछ हुआ वो किस ढंग से हुआ। पूज्य ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छी बात करते थे कि आचरण की शुद्धता, चरित्र की उच्चता, वैचारिक पवित्रता, भाव शुचिता, शुभ संकल्प, सतत सत्कर्मों में संलग्नता, ये धर्म से प्राप्त होता है। धर्म जीवन में सिद्धि देता है। जो हमारा स्वभाव भी है उस धर्म के आचरण से ही सत्यानुभूति, जो सत्यानवेशी हैं वे सत्य को उपलब्ध होते हैं। नान्या पंथा विद्यते अनाय, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये पूर्णता के पल जो अत्यंत प्रासादिक हैं, ये विराम पल जो एक निरंतर यात्रा है, एक निरंतरता है, एक सातत्य कथा प्रसंगों का। जैसे भगवान नित्य हैं वैसे ही उनकी लीला, धाम, परिकर, पार्षद, द्रव्य, गुण, सत्ता, स्मरण सब नित्य है, कथा भी नित्य है। भगवान नित्य विद्यमान सत्ता है, वैसे कथा भी नित्य है, उनकी लीलाएं भी नित्य है। एक नित्य सत्ता है जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कोई कोना नहीं है जहां वो नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति सबका आदर करने की बात कहती है, सबके हिस्से निकालने की बात कहती है। एक समवेत स्वर हो, संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनासि जानताम, कोई आहत न हो, दुखित न हो, व्यथित न हो, पीड़ित न हो, अभाव ग्रसित न हो, संवो मनासि जानताम, दूसरे की संवेदनाओं को पहचानने वाला मन हमारा बन। हम किसी की संवेदनाओं को आहत न कर, ऐसा उपदेश है। श्रुति वेद ऐसा कहते हैं कि सबके हिस्से संभाल कर रखें, एक ऐसा जीवन जिए। कथा हमें आदर्शों का अनुसरण करना सिखाती है। मनुष्य स्वभावतः अनुकरणशील प्राणी है, तो अनुगमन, अनुकरण, अनुशीलन, अनुवर्तन की एक भावना कि हम श्रेष्ठता का अनुगमन कर सके, हम सिद्धांतों का अनुशीलन कर सकें, हमें मूल शिथिल न हो, परंपराओं का आदर करें, ऐसा बल कथा से मिलता है, श्रवण से। प्रसंगों को पूरा करने का दिन है। भगवान वन में है, उनकी लीला अद्भुत है, राम जैसा शील सौंदर्य, माधुर्य, पवित्रता, त्याग, वो नरवीर है, नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है, एक अद्भुत संयम। राम संस्कृति के प्राण हैं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इस भारतीय संस्कृति के प्राण, इस भारतीय संस्कृति की चेतना, वो परात्पर ब्रह्म है, उनकी अद्भुत लीलाएं हैं। इस राष्ट्र का चरित्र कहीं देखना हो तो वो राम में है।
वन में हैं, वृक्षों के निकट हैं। इन 7 दिनों में मैं भी पेड़ों के आसपास रहा और एक पेड़ क्या नहीं देता है, गोंद छल छाया वलकल हरितिमा गंध सुगंध मकरंद, जड़ें भूस्खलन को रोकने के लिए, भारी जड़ों का विस्तार, आर्द्रता को आमंत्रित करने के लिए प्राणवायु, अन्न औषधि प्राण, क्या नहीं देता एक पेड़ वो सघन वन में। सीता को ढूंढते हैं, एक संकेत मैं कर रहा था कि वन में भटक गया व्यक्ति वन से ही प्रेरित होता है, जंगल का व्यक्ति कोई मार्ग बताता है, जंगल का कोई व्यक्ति। शबरी जंगल में रहती है, सरोवर सरिताएं प्रपात निर्झर कुंज अवराई जम्बू तमाल पाकर रसाल, उन के आसपास के घने वट विटक पर लटकती लताएं और उन वन्य प्राणियों के बीच में उसका पूरा जीवन बीता है। एक निश्चल मन को आहट हो जाती है, भवि वहां साकार होने लगता है, वहां नियति भवतव्यता भविष्य प्रकट होने लगता है जो निश्चल मन है। इसे शबरी निश्चल मना, और ये चौंकाने वाला सत्य है कि शबरी नहीं संकेत दिए कि वो सारी सामग्री साधन उधर पंपा सरोवर उधर की ओर किष्किंधा की ओर मिलेंगे, वहां सुग्रीव से एक बार मित्रता हो जाए। एक जंगल का व्यक्ति बता रहा है कि जंगल में कौन से साधन हो सकते हैं, जिसकी बड़ी उपेक्षा की गई, उपहास उस समय बड़ी अवमानना अवहेलना, वो जड़ है मतिमंद है उच्च वर्ण की नहीं है, एक अद्भुत साधना है शबरी की। एक तो सच ये कि राम बिना बताए गए सबके यहां, वो किसी आमंत्रण पर कभी नहीं गए, राम जिसके यहां पहुंचे हैं बिना आमंत्रण के, और जिन जिन जगह पहुंचे हैं वहां साधना की सिद्धि, एक अंतःकरण की निर्मलता, जो बाट जो रहे थे ऋषि मुनि उनके द्वार पर नहीं गए, उन मठों में उन आश्रमों में बिहड़ में कहीं एक निर्जन वन में पहुंच गए, उस कुटीर में जो सबके हित की सोचती है, जब तेज पवन चलती चारों ओर कटीली झाड़ियों में से कांटे बिखर जाते, पत्ते ढक देते पगडंडियों को, तब वो मार्ग बुहारती कांटे चुनती कंटक चुनती नुकीली घास पैनी, सूख गई ज्येष्ठ मास की घास वो पगडंडी से चुनती, झुलस जाती उसकी काया तेज धूप में, वो निकलती कि अपराह्न काल है और ऋषि निकलेंगे इस तपती धूप के ढलने के बाद सरोवर सरिताओं की ओर निर्झर की ओर प्रपात की ओर, मैं कांटे चुन लू पत्तियां बीन लू कंटक चुन लू कंकड़ियां चुन लू, तेज धूप में उस समय ठिठुरते गात भयानक शीत में अति भोर में कि अब ब्रह्म मुहूर्त होने को है, सूर्य के आने में लगभग आधा ढाई घंटे शेष हैं, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 24 मिनट पहले का काल ब्रह्म मुहूर्त, सूरज की किरणें जब धरती को चूमती हैं और भवन भास्कर की वो रश्मियां जब अपना अरुण सुहाग सजाती हैं तब वो प्रत्युषा उषा कहलाती है,
उषा काल। उषा काल कब? जब सूरज की किरणें आ गई हैं प्रातः काल, और वो और भी 2.5 घंटे पहले घाट साफ कराती, सुंदर कराती। वह रंगोली अल्पना, वो जानती थी कि अभी और रात गहराई हुई है, तो कभी कभी किनी किनी घाट पर दीपक रखाती भोर में, कुटियाओं के आंगन में बिखरे पत्ते, वह धूनी पर समिधा सूखी लकड़ियां, एकाकी एकांत में गहरी साधना में लीन सन्यासी योगी यति तपस्वी, क्योंकि कुटीर में कहीं थोड़े फल बेर पत्तियां फूल उनकी उपासना के अनुकूल, धूर्वा विजया धतूर, चकित थे सब साधु उस समय के, पता नहीं लग सका। पूरे जीवन भर वो ढूंढते रहे कि वो कौन हाथ हैं जो हमारे आंगन के पात बटोर लेते हैं, कंटक चुन लेते हैं, महीन कंकड़ियां बीन लेते हैं, वो कौन हाथ हैं जो कांटे चुन लेते हैं, वो कौन हाथ हैं जो दीप जला देते हैं, वो कौन हाथ हैं जो हमारी इस मटकी में गगरी में घट में नीर भर देते हैं, वो कौन से हाथ हैं, वो कौन है प्राणी जो घाट बुहार देता है, वह अल्पना कर देता है, कौन है वो प्राणी अज्ञात जो ये जानकर कि आज बड़ा कोई पर्व है उत्सव है हमारी कुटीर सजा देता है, कौन है वो सन्यासी ढूंढ नहीं पाए वो हाथ। ऐसे हाथ, अज्ञात हाथ, अनाम अदृश्य हाथ हो आपके दूसरे का हित करने के लिए, दूसरों के आसपास अनुकूलताओं का सृजन करने के लिए, आपके हाथ अज्ञात बने, उनका पता ना लगे किसी, वे अदृश्य दिखें, आप अनुकूलताओं का सृजन कर दें, उचित अवसर आप वहां प्रकट कर दें, संबल सीढ़ी बन जाए, आप स्वयं एक साधन बन जाए दूसरे की सिद्धि के लिए। दिन में कभी मिल जाती तो फिर व्यंग उपहास करते वही साधु, कभी मिल जाती इस गली में ना आना, इसे वहां राम नहीं पहुंचे उनके यहां। एक बड़े विश्वास के साथ जीती है शबरी। साधना में दो ही चीजें चाहिए, एक तो निरंतरता और दीर्घकालिकता। साधना एक ऐसा सातत्य चाहती है जो अविच्छिन्न हो, अविच्छिन्न। साधना में निरंतरता, निरंतरता, दीर्घकालिकता। जिस साधना में निरंतरता नहीं है, जो साधना दीर्घकालिक नहीं है, जिस साधना में संयम धैर्य नहीं है, जिस साधना में प्रतीक्षा नहीं है, वो साधना खुर्द बुर्द हो जाती है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी साधना में कोई गतिरोध आ गया हो, कई बार तो साधना एक परंपरा की पूर्ति भर रहती है, एक औपचारिकता, दिया बाती स्तवन प्रणाम पूजन प्रदक्षिणा और प्रतिमा का स्नान, थोड़ा चंदन दीपक आरती होगी साधना, तो ये साधना नहीं है। जो नित्य और नैमित्तिक कर्म है उनको साधना वत्मन है, नित्य नैमित्तिक कर्म साधन नहीं है, साधना कुछ और है। जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, वे साधन नहीं हो सकते। हाँ, साधन का वो भी एक हिस्सा है, पर साधना कुछ और है, जो निरंतर है, अव्याहत गति हो उसमें, जो चरम तक लेकर जाए आपको, और वो व्यवहार बने आपका, चिंतन बने, चरित्र बने, स्वभाव बने, जीवन बने। साधना पूरा जीवन बने, वो कुछ पल के लिए हो, वो कुछ देर के लिए नहीं है, पूरा जीवन है। साधना पूरे जीवन का नाम है, पूरा जीवन होम करना होगा आपको, वो पूरे जीवन के लिए है, वो अभ्यास। ऐसा पतंजलि की चर्चा भी हुई, तो कैसा है जो निरंतर हो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य के साथ निरंतर। इसे बड़ी प्रतीक्षा भी है, शबरी माने प्रतीक्षा, धैर्य
और एक बड़ा विश्वास गुरु के शब्दों पर। भारत धन्य है, गुरुओं की बात मानने वाला देश है, गुरुओं की, परम गुरु की, परमेष्ठी गुरु की, पूरी परंपरा की। इसलिए गुरु कह गए मतंग ऋषि की तेरे द्वार पर कोई और नहीं आएगा। कुछ इसके अर्थ अलग थे, बिल्कुल भिन्न अर्थ थे, जो शबरी जान गई थी कि गुरु कहना क्या चाहता है। गुरु ने कहा कि जब भी कभी तेरी कुटीर में कोई भी आएगा, ध्यान रखना वो राम होगा और कोई नहीं, तेरी कुटिया में केवल राम आएंगे और कोई नहीं। तो कभी कोकिल कागा की आहट, कभी ऊधम मचाने वाले मरकट, कभी कोई कुक्कुट, कभी मयूर, कभी कोई और पंछी, कोई परिंदा, कोई जीव, कोई नन्ना सा कीट, कोई उछल कूद करने वाला मृग, निकट से निकलता या पवन के प्रहार से अचानक पत्ते गिरकर भी कोई ध्वनि पैदा करते आंगन में, तो चौंक कर बैठ जाती, राम आ गए। एक बड़ी बात कि पूरे जीवन में कोई और नहीं आएगा कभी, तेरी कुटिया में केवल एक आएगा और वो होगा राम। एक बड़ी प्रतीक्षा। यद्यपि वो संत गृहस्थ थे और बहुत अंत में उन्होंने संन्यास लिया, अपने प्राण सिमट रहे ये जानकर उन्होंने आतुर संन्यास लिया था। डोंगरे जी महाराज, बस उन्हें लगा कि अब प्राण और ये सांसों का सिलसिला सिमट जाएगा, तो आतुर संन्यास लिया उन्होंने उस समय, और फिर उनके प्राण चले गए। तो वो ये बात कहीं कहते थे कि उत्सव नित्य हो, रोज उत्सव मनाओ, प्रतिदिन अपना घर इस ढंग से सजाओ कि आज ठाकुर का आगमन होगा। अपने घर में भोजन नहीं, प्रसाद बनाइए भगवान के लिए, उनके लिए बुहारिए, वैसा दीपदान, उस प्रकार से एक तैयारी, तो सच मानिए सब वस्तुएं बड़ी पवित्र बन जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे। एक महात्मा तो यहां तक कह रहे थे अपने शिष्य को समझाते हुए कि अपने आपके घर में भोजन बनना बंद हो, आज से भोजन मत बनाइए, आज से प्रसाद बनाइए भगवान के लिए, फिर आपके घर में बुद्धि ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो अपने घर की परेशानी रख रहे थे, कोई घर के क्लेश बता रहे थे कि घर में मतैक्यता नहीं है, मतभेद है, एकता नहीं है, प्रीतिक हो गई है, घर का माधुर्य चला गया है, घर की गोपनीयता भंग हो गई है, परिवार का अनुशासन टूट रहा है, कोई बताइए साधन। तो वो मैंने सुन लिया, ऐसा कह रहे थे कि घर में भगवान का भोग बनाया करो, भगवान के लिए प्रसाद दी। तो शबरी प्रतीक्षा का नाम है, राम पहुंचे और वो मार्ग बताती है। जो राम का मौन भंग कर दे, राम को उपदेश के लिए उद्धत कर दे, राम फिर वक्ता बन जाए, राम अपना मर्म प्रकट करे, राम की दार्शनिकता, उनका पांडित्य, उनका वैदुष्य, उनकी मनीषा, उनकी दार्शनिकता, उनका ब्रह्मत्व मुखर हो, उनमें से जो ईश्वरत्व है वो प्रवचन करे, वो सत्य का वो उद्घाटन करे, वो अपने तक पहुंचने के भेद बताए, वो बाध्य कर देती है। वो इस तरह का जिज्ञासु मन है शबरी का, शबरी के पास ऐसा एक मुमुक्षु मन है, शबरी के पास इस प्रकार की एक योग्यता भी है। कोई शबरी पूछ नहीं रही है, वो तो राम स्वयं बता रहा है। तो कभी कभी शिष्य की योग्यता गुरु को बाध्य करती है, गुरु का मौन टूट जाता है, उनकी चुप्पी भंग हो जाती है। तो जिनका मौन मुखर हो जाए गुरुजनों का, जान लेना कि कोई ऐसा जिज्ञासु शिष्य बैठा है। कई बार जिज्ञासु शिष्य हो, श्रद्धालु शिष्य हो, तो गुरु का मौन मुखर हो जाता है, चुप्पी टूट जाती है, वो साधन के संकेत देने लगता है। कोई शबरी ने पूछा नहीं, कोई क्रम बताइए उपासना का, साधना का, कोई नियम बताइए, कुछ विधि बताइए, कोई उपाय बताइए, ये पूछा नहीं। सच्चे साधक कभी ये नहीं पूछते कौन, कब, कहां, कैसे और क्या। और जिस परंपरा का मैं साधक हूं,
वहां तो ऐसे ही कुछ संकेत मिला कि ये सब बातें अपने आप प्रकट होंगी। कुरेदो वत, कब, कौन, कहां, कैसे और क्या, ये डब्लू जिसमें आता है बस शांत रहिए, डोंट कीप डब्लू। और अब तो हर चीज डब्लू 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 और उसके आगे कुछ और हर चीज में डब्लू 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 डॉट फिर आगे कुछ। तो हमारे तो गुरुजनों ने हमें संकेत दिया कि ध्यान रखना डब्लू से दूर रहना, कब, कौन, कहां, कैसे और क्या, ये सब चीजें अंग्रेजी में डब्लू से शुरू होती है ना, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, तो इनसे दूर रहना चाहिए। ये आपके आसपास ना देखें, ये हमारी चिंता है, हमारी चिंता का विषय है। योग्य बनो, पात्र बनो, पात्र होंगे प्रकट होगी चीज। अब पात्र नहीं है कुरेदो मत, ये हमको पता है कब बताना है, ये हमको पता है बताना कब है। इसे शबरी की एक चीज और देखने को मिलती है कि वो ईश्वर के मौन को भंग करती है, उसे उपदेशक बनाती है, उसे जैसे वो इतना बाध्य कर देती है जैसे अर्जुन के लिए भगवान ने गीता सुनाई। वैसे ही दोनों अवतारों बड़ा भेद है, राम बहुत कम बोले हैं, बहुत कम बोले हैं राम, यहां वो अपने आप बोल रहा है, भक्ति की बात बताते हैं शबरी को। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भक्ति क्या है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं भक्ति क्या है, वो नवधा भक्ति की कोई बात करते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इस तरह से कोई कि संत विभूति है, संत का सानिध्य, उसकी समीपता से श्रुति प्राप्त होगी और फिर एक बार वेद का उपदेश हो गया, अंतःकरण पवित्र है, साधन चतुष्टय सिद्ध है और कहीं श्रोत्रिय सत्पुरुष की सन्निधि मिल गई और ब्रह्मनिष्ठ भी हो तो फिर बेड़ा पार है, फिर उपदेश प्रकट होने लगेगा। उससे पहले प्रकट भी नहीं होता, समझ भी नहीं आता, इसलिए साधन चतुष्टय सिद्धि, साधन चतुष्टय सिद्धि के बाद ही उपदेश सार्थक होते हैं, उनकी भाषा समझ में आती है, गुरु की भाषा, उनके संकेत, उनका व्यवहार, फिर उनके पूरे चरित्र, चिंतन और स्वभाव के साथ आपकी एकात्मता, आपका गहरा तादात्म्य, फिर आप एकजुट हो जाते हैं, एक वो फिर तदाकारता, तद्रूपता, तन्मयता, तद्भासता, एकात्मता, वो तभी सिद्ध होती है जब साधन चतुष्टय सिद्धि हो। इसलिए राम का मौन भंग हो गया और वो नवधा भक्ति बताने लगे। उस जैसी कौन बड़भागिनी होगी कि उनके ही गोद में, उनके ही हाथों में काया झूल गई, वहीं प्राण सिमट गए, तो राम उसका संस्कार भी करके आगे बढ़ते हैं। जो कहते हैं मेरा कोई है भी नहीं, प्रतीक्षा पूरी हो गई, अब तक तो सांस रखी थी संभल कर, कहते हैं षोडशी थी, 16 वर्ष की थी जब उसने दीक्षा ली, अपने गुरु के निकट पहुंची 16 वर्ष की, और जब राम आए तो मुंह पोपला हो गया था, आंखें कोटरों में धस गई थी, लकुटी के से चलते थे, लकड़ी के सहारे, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम, वो दंड के सहारे। प्राण बिखर जाएं, वो स्वयं राम में लीन हो, उससे पहले वो बता भी गई कि उधर सुग्रीव है और ऐसे निकल जाना, ये मार्ग है, इसी मार्ग से जाना। ये मुझे बात काफी अच्छी लगी शबरी की, जो राम के कि वो सीता को ढूंढ रहे हैं उस कार्य में सहायक सिद्ध हो गई। जिन्हें हम जंगली कहते हैं, जो वो महुआ और उसके आसपास हैं, सच मानिए बड़ी प्रकृति के निकट है, जो जो सरोवर के निकट हैं, सलिलाओं के आसपास हैं, सघन वन में रहते हैं, खेत खलियान में रहते हैं, वे बड़े संयमी हैं, उनके पास बड़ी सुंदरता रहती है, जीवन का सौंदर्य, जीवन का रस, थकान उन्हें कभी नहीं छूती, दिन भर में थके हुए और रात को फिर वो मृदंग लेकर, पखावज लेकर और कोई वाद्य लेकर, फिर उनके देखिए साहब बाप, उनके जीने का ढंग बहुत प्रकृति के निकट रहता है, किसान। तो वो वनवासिनी
राम को सुग्रीव की दिशा बता गई। जैसे मुझसे कोई एक मेरे परिचित पूछ रहे थे कि शबरी के विषय में क्या कहना चाहोगे, तो मैं कहूंगा शबरी राम को दिशा देती है, वो शबरी है जो दिशा बोधक है, वो कंपास है, वो बताती इधर निकल जाना, ये मार्ग है आपका, उसी को आदर्श मानकर वो उस ओर बढ़े। ऐसे व्यक्ति के पास जो दब्बू है, भेरू है, पलायनवादी है, डरपोक है, डरा हुआ आदमी, उसका भी कल्याण है। एक ही बड़ा निर्भीक है, अभीतता, एक अप्रमत्तता। साधना में तो बड़ा शत्रु है प्रमाद, साधना का सबसे बड़ा शत्रु ही प्रमाद है, आलस्य है, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवे, श्रुति कहती है कि जो अप्रमत्त है वही लक्ष्य का भेदन कर पाता है। अप्रमत्त जो प्रमाद रहित है, जो जागत है सो पावत है, अप्रमत्तता। एक वो प्रमादी है, जड़ है, डरपोक है, भीरू है, कायर है, पलायनवादी है, हर पल डर में रहता है, और यहां तक कहता है कि जरा पता तो लगाओ कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो भागूं तुरंत तजाऊं यह शैला। एस्केपिज्म, एस्केप, पलायन। कुछ लोग घबराते हैं, बड़ा लक्ष्य नहीं बना पाते। एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, एक बड़ा काम कीजिए, और बड़ा काम वही कर सकते हैं जिनको अभ्यास रहा हो। मैं तो आदरणीय ठाकुर जी को कहना चाहूंगा, हरबंस सिंह जी को, कि और पारी खेलें 20 साल तक, वो लगातार खेलें। अभी उनकी उम्र क्या है, अभी जैसे तैसे 60 पार हुई है, वो लंबी पारी खेले, वो आदर्श है। एक बड़ा काम किया उन्होंने, अच्छे कार्य किए, 20 साल की एक पारी और खेलेंगे, अब काम करने का समय आया है। उनके पत्रक में कहीं सुनने को मिला कि उनका यह धार्मिक आयोजन है, अब वो धार्मिक आयोजन और आयोजनों से विरति चाहते हैं। अरे भाई, अब स्टार्ट कीजिए, अब से आरंभ कीजिए, शिथिल नहीं होंगे वो, क्या बस ये अब लगभग पूरे से हो रहा है, नहीं नहीं, अब से आरंभ हो रहा है, अब आइए, और जब अध्ययन हो, अनुभव हो, बहुत कुछ किया हो, तब बड़ा काम हो सकता है। वो कहता है नहीं, मैं नहीं करूंगा, हनुमान को भेज देता है। वो जानती है शबरी कि वो खोटा सिक्का है, पर वहां हनुमान है। बस शबरी ने एक संकेत दिया कि एक बड़ी वस्तु वहां है, यद्यपि वो दब्बू है, भेरू है, पलायनवादी है, कमजोर है, उधर निकल जाना, लेकिन वो उसके पास कौन है, उसके पास हनुमान है। अब ये हनुमान का चरित्र यहां से थोड़ा शुरू होता है, और हनुमान एक ऐसा चरित्र है कि उस पर कोई बात कहना बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि उनको एकादशवां रुद्र कहा, वो स्वयं शिव हैं। कोई बहुत ही आधिकारिक तौर पर ऐसा कह रहे थे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। ये अद्भुत है हनुमान। एक बात है हनुमान की, वो जैसे हैं वैसे कभी किसी को नहीं मिलते, वो अपने रूप में कभी नहीं मिलते किसी को, कभी नहीं, जो मूल रूप है उनका, क्योंकि उनका मूल रूप तो शिव है, वो स्वयं शिव है, वो सदा शिव है, वो रुद्र है, तो जो हैं वैसा कभी नहीं मिलते, वो रूप बदलकर मिलते हैं, वो अपने रूप में कभी किसी को नहीं मिलते। मसक रूप, कपि रूप, रुद्र रूप, भीम रूप, अनेक रूप। अब जरा हनुमान चालीसा पढ़कर देखना उनके रूप की चर्चा है। अति लघु रूप, मसक रूप, कीट रूप, संत रूप, एक और अच्छा है वो बाना बदल लेते हैं, विप्र रूप, ब्राह्मण का वेश बना लेंगे। उनको पहचानना कठिन है, हनुमान को पहचानना कठिन है। तुलसी को भी हनुमान मिले, हनुमान से ही उन्हें प्रेरणा मिली, और वो कहीं चित्रकूट के घाट पर राम से उनका साक्षात्कार हुआ, चित्रकूट में।
तुलसी बाबा का, कि हनुमान ने उन्हें बताया और हनुमान वेश बदलकर आते थे। एक बहुत विनम्रता के साथ बात कह रहा हूं, उसको जैसे मैं कहना चाहता हूं वैसे ही समझना, कुछ और अर्थ मत लगा लेना उसके। ये आउट ऑफ रीच नहीं है, हनुमान लाइव गॉड है, हर पल है, जब याद करोगे तब आपके सामने है। वो और देवता थोड़ा दूर हैं, दूर हैं वो, कोई रुद्र लोक में है, कोई ब्रह्म लोक में है, कोई वो है भगवान नारायण क्षीर सागर में है, दूर, आउट ऑफ रीच, बहुत दूर है, बहुत दूर है वो। तो कभी ढंग से पढ़कर देखो कि यहां से कितनी दूर पे होगा चांद सूर्य, 186,000 माइल पर सेकंड के हिसाब से वो प्रकाशमान, तो उसके हिसाब से भी चलें तो हम ब्रह्मा के पास तक कब तक पहुंच सकते हैं? तो पता लगा लगभग कोई 40,00,000 साल लग जाएंगे। ये आंकड़े सही हैं बिल्कुल, बोस्टन में किसी ने ये शोध करके बताया, 40,00,000 साल लग जाएंगे एक बार पहुंचने में, इस गति से उड़े तो 186,000 माइल पर सेकंड, जिस हिसाब से सूरज दौड़ता है। कि इसका चरित्र चिंतन गुण धर्म प्रकृति मति संस्कार विचार आहार वेश, इसकी सारी बातें किसी से नहीं मिलती। पत्नी ने अपने पति से कहा कि ये देखो तो सही, ये रेवती, इसकी कोई चीज किसी से नहीं मिलती, इसका चिंतन स्वभाव विचार इतनी गंभीर शांत सहज, इतनी सुंदर, ये प्रज्ञावान, ये शीलवान, ये गुणी, इस धरती पर तो इसके लिए कोई योग्य वर दिखता नहीं है, और अब इसकी आयु भी निकल रही है, ये युवती पुत्री, इसके लिए कोई ढूंढो ना, वर ढूंढिए इसके लिए। तो रेवत कहते हैं कि कहां ढूंढो, वो सुझाती है कि ब्रह्मा से जाकर पूछ लो, आपके पास तो साधना का बल है, यहां से जाइए संकल्प बल से अपनी पुत्री को लेकर। वो दोनों यहां से उड़े, बोस्टन में हार्वर्ड में कोई इस बात की तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे कि वो क्या है, कि वो निकले और कैसे निकले, किस ढंग से यहां से वो तन छोड़कर निकले ब्रह्मलोक में। ब्रह्मोत्सव चल रहा था, उत्सव का अंतिम चरण, और पूछा, ब्रह्मा की दृष्टि गई, अरे रेवत यहां, और ये मृत्यु लोक का प्राणी अपनी पुत्री के साथ, पूछा उनसे यहां कब आए, कि जब ये आपके उत्सव का अंतिम चरण था बस अभी पहुंचे थे, ये यहां, ये जो अप्सराओं का गान था, सनकाद्य का आदर हो रहा था, बस नारद आसन अभी लगाकर बैठे ही थे और सनकाद्य शांत होकर बैठे थे, तो बस हम पहुंचे यहां। क्या पूछने आए थे? ये पूछने आए थे कि हमारी बेटी के लिए वर कौन सा ठीक रहेगा, कहां होगा वर, इसके लिए स्वयंवर के लिए इसको वर नहीं मिल रहा, योग्य वर नहीं मिल रहा। तो ब्रह्मा ने कहा जल्दी जाओ, वो पूरा सतयुग बीत गया, आप सतयुग के प्राणी हैं, सतयुग निकल गया और त्रेता भी गया, को राम अवतार भी हो चुका है, द्वापर खिसकने वाला है, वहां एक हैं योग्य इनके लिए, इन्हीं के लिए बने, उनका नाम है बलभद्र, कृष्ण के बड़े भैया, उनके साथ विवाह कर देना, जाइए। तो फिर हम यहां कैसे पहुंचे? बोले आप दोनों का प्रारब्ध ही ऐसा था, बाकी तो कोई बचा नहीं है आपके कुल में, आपके तो कितने बार श्राद्ध हो चुके हैं, क्योंकि युग इतने बीत गए, यहां और वहां में एक है। अभी जब मैं आ रहा था यहां कथा कहने, तो वो मेरे पुस्तक हाथ लग गई, काफी दिन से ढूंढ रहा था मैं, कि एक काल यात्रा, टाइम साइकिल क्या है, तो इस बार वो पूरी मैं उसको ही पढ़ता रहा, इस 7 दिन का पुस्तक वो मैंने सिरहाने रखी थी, कि टाइम साइकिल क्या है, ब्रह्मा का कितना समय है, एक ब्रह्मा, एक कल्प में एक ब्रह्मा, फिर कितने मनवंतर, वो 14 मनवंतर, और ये सप्तम मनवंतर चल रहा है, अब 8वां मनवंतर, तो एक ब्रह्मा एक कल्प आदि से कितना समय हो गया, और बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से वो बात बताई गई, बहुत वैज्ञानिक ढंग से। इसलिए वो कभी
एक बार पुकारोगे तो सामने होंगे, राम रसायन तुम्हारे पासा। हनुमान सहज प्रकट होने वाला देवता है, वो सप्त चिरंजीव हैं, और उनमें जब उनका स्मरण करें, वो एक नित्य विद्यमान सत्ता है, वो विचार सत्ता है, ज्ञान सत्ता है, वो ज्ञान का रूप, विचार का रूप, संकल्प का रूप, वो आपके आसपास। सुग्रीव ने कहा जा और पता लगा करा कि ये दो युवक जो बढ़ रहे हैं हमारी ओर, ये कौन हैं? बाली के भेजे हों तो संकेत दे देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा, पता तो लगा करा कौन है ये। और वो विप्र रूप धारण करके जाते हैं नीचे। जैसा मैंने बताया कि हनुमान एक वेश में, एक रूप में किसी को नहीं मिलते, और वो नीचे पहुंचे, शिव नीचे पहुंचते हैं। गौतम श्यामल गौर शरीरा कठिन भूमि को मल पद गामी अब कौन है? राम बताते हैं, मैं नाम राम, लक्ष्मण दो भाई, यहां निशाचरों ने मेरी भारिया का हरण कर लिया है। मेरी भारिया सीता ही निशाचरों के द्वारा हर ली गई है, बस उसे ढूंढने निकले विप्र, उसे खोजने के लिए निकले। दूसरों को कैसे बड़प्पन दिया जाए, यह हमारी संस्कृति में है और कहीं नहीं मिलता। प्रभु पहचान परे उगही चरना, ये एक बहुत अलग तरीके की चौपाई आती है जो थोड़ा सा प्रमाणित करती है कि हनुमान ही शिव हैं। कि अरे उमा, वो जो एक सुख मिला वो बताया नहीं जा सकता। प्रभु पहचान परे उगही चरना, उमा वो बताया नहीं जा सकता वो क्या सुख है, इष्ट के मिलने का, प्रभु के मिलने का, वो बताया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि हनुमान शिव हैं, शिव स्वयं बताते हैं कि वो बताया नहीं जा सकता। कुछ पल में ही सब भेद दे दिया हनुमान ने, कुछ पल में बताया हनुमान ने कि वो भक्त नहीं है, आपको भगवान नहीं मानेगा, वो शिष्य नहीं है, आपको गुरु नहीं मानेगा, वो उपासक नहीं, आपको इष्ट नहीं मानेगा, वो सेवक नहीं, आपको स्वामी नहीं मानेगा, वो निपट बेचारा भोला भाला एक जीव है जो ये नहीं जानता कि आप कौन हो। बहुत सी वासनाएं कामनाएं लिए बैठा है, बड़प्पन की अभिप्सा लिए बैठा है। एक बार गद्दी पर बैठ चुका है, मान सम्मान मिल चुका है, अनुचर चाकर परिचारिकाएं सेवक दास दासियां किंकरों की कतार उसके पास रही है कुछ दिन, वो लोह अभी उसके भीतर है। जो किंकरों की कतार उसके पास रही है, किंकर किम करो उती, जो ये पूछते रहे और अपने से कुछ ना पूछ करें, किंकर उन्हें कहेंगे कि जो पूछे कि हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब क्या नेक्स्ट, अब क्या नेक्स्ट। तो ऐसे दास किंकर, किंकरों की कतार, सेवक सेविकाएं परिचारिकाएं दास दासी और बूढ़े समूह का स्वामी और बड़े ऐश्वर्य का और वैभव का भोक्ता सुग्रीव रह चुका है, इसलिए एक बार सुख ले लिया है बड़प्पन का, अभी भी उसमें डूबा हुआ है। इसलिए हे प्रभु, आप उससे कुछ संबंध बनाइए, और ध्यान रहे कि मित्रता में समता रहती है। वपर्णा सयुजा सखाया, उपनिषद ऐसा कहते हैं कि भगवान हमारे सखा हैं। उपनिषद ऐसा कहते हैं कि जीव और ब्रह्म, ये आत्मा और जीवात्मा या परमात्मा परस्पर सखा हैं, एक संबंध से मित्र हैं। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, भागवत कहती है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्साम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन।
ब्रह्म कई बार मित्र है हमारा, तुमेव माता च पिता तुम्हें, तुमेव बंधु, वो सखा है, वो बंधु है, मित्रवत। इसलिए एक बहुत अच्छा संबंध है, उसे मित्र बना लीजिए। और मित्र बनाओगे तो पास बिठाएंगे, वो एक प्रोटोकॉल बनता है, फिर मित्र को नीचे नहीं बैठाओगे, पास ही बैठेगा। वो सचिव नहीं है, सेवक नहीं है, दास नहीं है, वो उसका कोई और स्टेटस नहीं है, एक गजब का स्टेटस मिल जाएगा उसे, और आपके बगल में हम उसे बैठा देंगे। सचिव तो पास बैठ नहीं सकता, सेवक पास नहीं बैठ सकता, वो दास हो नहीं सकता, क्या बनाएंगे उसे हम, किस तरह से आपके पास रखें उसे। सचिव बनाकर तो फिर तो भेद हो जाएगा, सेवक में भेद हो जाएगा, दास बनाएं क्या बनाएं, अनुचर। एक बहुत अच्छा एक ये संबंध है, आप उसे मित्रता कर लीजिए, और जब आप मैत्री कर लेंगे तो फिर वो मित्रता निभाना आपको आता है। ये मित्रता निभाना नारायण को आता है, के द्वार पर किस तरह से सुदामा पहुंचा और वो कैसे दौड़ लगाकर जाते हैं, पटरानियां देखती रह जाती हैं कि वो किस प्रकार से पग पखारते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मित्रता निभानी आती है आपको, इसलिए उसमें मित्रता में एक चीज रहती है, विषमता नहीं रहती, मित्रता में समता रहती है। और एक अद्भुत योग काम करता है उसमें, ये गीता वाले लोग बैठे हैं, समत्वम योग उच्चते, उसमें एक बहुत अच्छा योग काम करता है, समत्वम योग उच्चते, समत्वम एक समता, विषमता नहीं रहती। इसे कहीं जो पहुंच गए, ऐसे हमने बहुत भगवत कृपा से मुझे ऐसे कुछ संतों के दर्शन मिले जो कहीं पहुंच गए थे, मित्रवत व्यवहार फिर उनका, वो बड़े सहज हैं, सरल हैं, जो कहीं पहुंच गए बड़ी सरलता उनमें आ जाती है, उनके आसपास कोई हर्डल नहीं है, उनके आसपास में फिर कोई फाटक नहीं है, फिर बहुत बाधाएं नहीं है, जहां पहुंचने में बहुत आसानी हो समझना यही साधना फलीभूत हुई है। और जहां बड़े कपाट जड़े हों, बड़ी जहां हर्डल हो, खाइयां हों, और दुनिया भर के चैनल्स पार करके जाएं और तब दर्शन हो, ना भैया, सहज रहिए, बहुत सहज रहिए, सरल रहिए, तो कोई ऐसी कठिनाई न रहे। तो सुग्रीव मित्र रहे आपका, सुग्रीव को मित्र बना लेना, फिर उसमें कोई विषमता नहीं रहेगी। सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। राम घोषणा करते हैं, सखा सोच त्याग हो बल मोरे, वो अपना बल बताते हैं, वो सुखे साधक नहीं है, जानता नहीं भगवान का बल क्या है, भगवदीय बल क्या है, ईश्वर का बल क्या है, परमात्मा कितना सामर्थ्यवान है, वो तो जानता नहीं, साधक है नहीं, इसे भगवान को स्वयं बताना पड़ता है। कई बार तो भगवान हमने देखा याचना करते हैं कि वो समझे मुझे और वैसा बने। मैया सक्त मनापार्थ मामे कम शरणम भज मयपित मनोरबुद्धि। गीता में भगवान की ये याचना मुझे बहुत अच्छी लगती है, गीता में भगवान ऐसी याचना करते हैं, मैं आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त हो, मैं अर्पित मनोरबुद्धि, अपनी बुद्धि का निवेश मुझ में कर, माम एकम शरणम ब्रज, मेरा बन। और जब कोई कहीं वो बन नहीं रहा है तो फिर भगवान को लगा कि चलो मुझे ऐसे विराट रूप के दर्शन कराने चाहिए। और कोई ऐसा भी हमारे भारत के लोग कहीं कहीं कहते हैं कि चमत्कार कोई नमस्कार है, चमत्कार कोई नमस्कार, व्यक्ति प्रणाम तब और अधिक करता है जब कोई चमत्कार दिख जाए, कोई विभूति दिखे, कोई कौतुक दिखे, कि ये तो बड़े सिद्ध हैं। भगवान को लगा कि अब कोई ऐसा चमत्कार करना चाहिए कि फिर ये मुझे नमस्कार करे और मैं जो सिखाना चाहता हूं कोई जान सके। फिर एक कौतुक दिखाया भगवान ने, एक अद्भुत कौतुक, कि वो विराट रूप के दर्शन कराते हैं। सखेति मत्वा प्रसंग यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मै मनंत वेदम, मया प्रमादात प्रणय नवापि। मैं प्रमाद के कारण तुझे जान नहीं सका, अपना संबंधी मानता रहा, केवल सखाई समझता रहा, पर तू कुछ और भी है, इसलिए हे ईश्वर मेरी भूलों को भुला देना,
प्रमाद में न जाने मैंने क्या क्या कह दिया है। महाभारत में तो यहां तक आता है कि वो भगवान की रीढ़ की हड्डी पर अंगूठा लगाता था अपना पैरों का, और ये रथी और सारथी के बीच में एक ये भी एक ढंग है सारथी को समझाने का कि घोड़े किधर जाएंगे, किस दिशा में, बाईं ओर या दाईं ओर जाएंगे, ये सामने जाएंगे। और वो कई बार इतना तल्लीन हो जाता, गंडी पर की प्रत्यंचा खींच रखी है उसने और तीर वहां डटा हुआ है और वो लक्ष्य का भेदन करना चाहता है, इतने में ही वो दाएं बाएं कर देते भगवान रथ, और फिर वो अंगूठे से, पैर के अंगूठे से भगवान की रीढ़ की हड्डी छूता था उनकी पीठ पर, और वो बताता था बाएं दाएं बाएं दाएं, ऐसे चलना है ऐसे चलना है, और फिर बाद में झगड़ा करता कि मैं बार बार संकेत करता रहा कि बाईं ओर रथ लेकर चलो, आप और थोड़ा सा झुका देते हैं, कभी सीधा और कभी दाईं ओर कर देते हैं। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मुझे पता है कि तेरा रथ किस दिशा में लेकर जाना है, क्योंकि विजय किस दिशा में मैं ज्यादा जानता हूं, बेहतर मैं जानता हूं कि तेरी जय कहां है, तू नहीं जानता। तो कई बार तो कच्चा समर्पण, उसके बाद भी अर्जुन का पूरा पूरा कोई समर्पण नहीं था, वो पूरा समझ नहीं पा रहा था। हम पूरा कहां समझ पाते हैं, हम खुद को ही नहीं जानते पूरा, तो अपनी विभूति सामर्थ्य हम स्वयं को भी कहां जानते हैं कि हम में इसी प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों होती है, हमारा ऐसा ही अभ्यास क्यों है। जीव तो पूरा पूरा खुद को भी नहीं जानता, जिस दिन वो अपनी सामर्थ्य जान ले तब उसकी बात कुछ और हो जाएगी, तब फिर उसके जीवन की दिशा कुछ और होगी, वो पूरा अपने को भी कहां पहचानता है, मनुष्य अपना भी पता कहां जानता है। इसलिए सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विद घटब काज में तोरे, मैं तेरे सारे कार्य सिद्ध कर दूंगा। चमत्कार सा दिखाया कुछ भगवान ने, अनुगत हो गया सुग्रीव, बाली के लिए भेजा भगवान ने, और वो जब किसी के समर्थन में खड़े हो जाएं, जब वो किसी का हाथ पकड़ लें, किसी की बन जाएं, तो किस हद तक उसके बने कि बाली को अपने धाम में भेजकर ही वो निश्चिंत हुए। सुग्रीव को फिर से राज्य मिला कि तेरी पहले वासना पूरी हो, तेरी स्पृहाओं को पूरा कर, और वो भुला देता है, कृतज्ञता है, भगवान को भूल जाता है, ये जीव का स्वभाव है। अनुकूलताएं पाकर, सिद्धि पाकर, प्रसिद्धि पाकर, आर्थिक अनुकूलताएं हो, थोड़ी चर्चा हो, ख्याति हो, एक समूह के आप स्वामी बन जाएं, नेतृत्व की आपको कला प्राप्त हो जाए, कुछ अधिकार मिल जाएं, तो फिर व्यक्ति भूल जाता है। हाँ, साधक नहीं भूल पाते, जो विचारक हैं, मनीषी हैं, तत्वदर्शी हैं, विनम्र हैं, भक्त हैं, वो कभी नहीं भूलते। पर इसकी साधना तो अभी आरंभ हुई, इसलिए भूल गया भगवान को। किष्किंधा कांड में अब कथा पहुंच गई है हमारी, और वहां की दो तीन चौपाइयां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि जब वो भगवान को भूल गया तो भगवान चातुर्मास में वहां रहते हैं, चातुर्मास की चर्चा है मानस में कि वो चातुर्मास वहां करते हैं, वर्षा की बीत जाने की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि एक बार वर्षा बीत जाए तो फिर सुग्रीव को संदेशा भेजेंगे। मैं तो बहुत ही एक ऐसी बात बता रहा हूं, कुछ लोगों को पता नहीं कैसी लगेगी, कि जब मैं आचार्य बना तो मैंने सब सन्यासियों के सामने ये बात कही कि ये ध्यान रखना, मुझे विदेश में रहने का अभ्यास है वर्षा काल में, तो आप मुझे आचार्य तो बना रहे हैं पर मैं चौमासा नहीं करूंगा, मैं अपनी विदेश की यात्रा स्थगित नहीं कर सकता। तो सारे फिर सन्यासियों ने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी विदेश की यात्राएं करना, चौमासा कोई बात नहीं। मैंने कहा चौमासे में 40 जगह जाने की आदत है मुझे, लेकिन एक बार मैंने चौमासा किया तब मुझे लगा कि चौमासा क्या होता है, ये चातुर्मास क्या होता है। तो एक दिन मेरे मन ने कहा कि चातुर्मास की कोई विधि तो है, और पूरे हजारों लाखों साधुओं ने आपकी बात का समर्थन किया, वो कहते हैं भले ना करो चातुर्मास, आप जाइए अमेरिका,
अपनी यात्राएं कीजिए जो वर्षों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरे मन ने मुझसे कहा कि चौमासा क्या होता है, चातुर्मास के व्रत क्या होते हैं, और मैंने सन्यासी बनकर भी चातुर्मास के व्रत नहीं किए, एक बार चातुर्मास मैं करूंगा और उसको ढूंढना चाहूंगा कि वो क्या है। और चूंकि वो इसलिए होता था कि नदी नाले में जल आ जाता, वन उपवन में घनी घास उगाती, पगडंडियां ढक जाती थीं, कीट मतंग मीन भ्रंग उन्मत्त हो जाते, विषैली वनस्पतियां, मूसलाधार वर्षा, कैसे पार करे नदियां, उसके पीछे की ये बात थी क्या या कुछ और बात है, या श्रावण और भादो में कुछ और द्रव्य बनते हैं, साधना की कुछ और गति होती है। मैं चतुर्मास करूंगा। और फिर उसके बाद अब ऐसा मेरा मन है कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, अब मैं चातुर्मास के व्रत करूंगा। वो चातुर्मास के बाद के जो परिणाम है वो कुछ और निकल कर आए। जब मैंने चातुर्मास किया तो उसके बाद के परिणाम कुछ और निकल कर आए। एक विधि है चातुर्मास की। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण अभी हम धैर्य रखते हैं और जैसे ही चौमासा बीतेगा, ये वर्षा काल बीतेगी, तो जाना और उसको संदेशा देना, वो भूल गया मुझे। आइए चौमासे में क्या होता है एक दो चौपाइयों में देखते हैं, चौमासे का आनंद लेते हैं। तुलसी बाबा लिखते क्या है, सिमिट सिमिट जल भरा ही तालाब, सिमिट सिमिट जल भर सिमिट सिमिट जल भर ही तालाब, सिमिट सिमिट जल भर जिमि सगुण सज्जन पहिया, जिमि सगुण जल भर ही तलावा, जीवि सदगुण सजन पिया, सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा। सदगुण सज्जन के पास धर्मशील पर जाए सुहाए, जैसे नदिया की ओर नीर दौड़ता है प्रपात का निर्झर का, ऊंचे मन वाले लोग जो हैं संतों की कल्पना की है तुलसी ने, जिनके पास एक हाइट है, एक ऊंची स्थिति वाले संत जो पहुंच गए कहीं, उन फकीरों की चर्चा है रामायण में। वो दरवेश कैसे हैं, वो फकीर कैसे हैं, उनकी बात रामायण लिखती है। बूंद अघात सहें गिरि कैसे, बूंद अघात सहें गिरि कैसे, खल के बचन संत सहें जैसे, खल के बचन संत सहें जैसे, खल के बचन संत सहे जैसे, खल के बजन संत सहे जैसे। गिर कैसे, बूंद अघात सहें गिर कैसे, खल के सहे गिर कैसे,
चट्टानों को उस समय चोट नहीं लगती जब आकाश से बूंद गिरती है। आकाश से सरकती हुई कोई एक बूंद चट्टान को चोट कैसे पहुंचा सकती है? वो चोटियां आहत कैसे हो सकती हैं? बूंद आघात सही गिरी कैसे? उन्हें तो पता भी नहीं लगता कि कब बूंदें उन पर गिर गईं, उन चट्टानों पर। इतना बड़ा मन साधुओं का, खल के बचन संत सहे जैसे, सिमट सिमट जल भरे तलावा, मेढकों का बोलना जैसे बटुक ब्राह्मण कहीं वेद पाठ कर रहा। हरित भूमि तृण संकुल समुज पर ही नहीं पंथ जिमे पाखंड बादते। हरित भूमि तृण संकुल, किस तरह से भविष्य को उघाड़कर देखना आता था तुलसीदास जी को। 550 साल पहले इस तरह से एक मशरूमिंग नहीं थी जिस तरह से आज संस्थाएं और पंथ और संप्रदाय कुकुरमुत्ते की तरह से एक मशरूमिंग में, यहां वहां तहां कहीं भी हर जगह नए नए ट्रस्ट बन रहे हैं, हर जगह नई नई संस्थाएं बन रही हैं। एक ईंट के नीचे 10 संस्थाएं हैं, अलग 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 भात भात के पंथ हैं। मैं इसे आगे नहीं जाऊंगा, बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं। ध्यान बिक रहा है, समाधि, सहजता, सुंदरता, पवित्रता, शूरवीर बन जाओ, वो बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस आप एक लॉकेट पहनना है, आपको लक्ष्मी आएगी, कोई साधन नहीं करना है। किस तरह से चीजें बिकेंगी, किस तरह से वो बाजार में आ जाएगा, साधन बाजार में आ जाएंगे, वो सुगम बन जाएंगे, उनकी मार्केटिंग होगी। लिखते हैं तुलसी बाबा, हरित भूमि तृण संकुल समुज पर ही नहीं पंथ, जैसे इतनी घास का उगाना। कई बार तो चातुर्मास से पहले अचानक कोई वृष्टि हो तो कितने झिंगुर और कितने पतंगे और न जाने कितने और कृमि कीट एक दिन में, एक पल में, कुछ देर में पैदा हो जाते हैं वो पतंगे, और फिर पता नहीं कहां खो जाते हैं। कुछ देर में वो छुपे रहते हैं वातावरण में और वो निकल आते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, इस प्रकार से कई बार मशरूमिंग होगी, कुकुरमुत्ते की तरह से चीजें फैल जाएंगी। और उससे भी पहले तो ऋषियों को यह भी ध्यान रहा होगा, क्योंकि आकाश के, अंतरिक्ष के, अंबर के आनंद को न छीन ले लोग, इसलिए ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। कहीं पूरी सलिलाओं का सरकता हुआ जल, उनकी निर्मलता, अविरलता, अभिच्छिन्न प्रवाह कहीं रुक न जाए, धरा कहीं बंध्या न हो जाए, इतने उर्वरक झोंक नहीं जाए, इतनी विषाक्त वनस्पतियां ना हो जाए, पूरी धरती इतनी विषैली न कर दी जाए। मिलते हैं संकेत कि ऐसा होगा कि धरती की छाती को चीर कर उसमें विष रखा जाएगा, धरती विषैली बना दी जाएगी, उत्पादन की भूख इतनी होगी कि वो विषैली बना दी जाएगी, फल फूल अन्न जल में वायु में इतनी विकृति होगी, आकाश में वहां के सन्नाटे को चीर देंगे लोग, वहां की चुप्पी छीन ली जाएगी, फिर ओजोन की परत कैसे शिथिल होंगी, कैसे प्रतिरोधात्मक शक्ति घटेगी। शांति मंत्र में ये जो सब बताया गया है, ये क्या होगा भैया, संभाल कर रखना चीज है। तुणीर के तीर को निकालकर राम ने बताया था अपने तरकस का, वो तीर कि इसी तीर से बाली मेरे धाम में पहुंचाए, बस इतना सा कह देना सुग्रीव को कि वो मैंने बाण अभी भी संभाल के रखा हुआ है। राम, ये राम की भाषा नहीं है ये, पर इतनी सी बात पर ही लक्ष्मण तो उत्तेजित हो गए कि बस मैं अभी नगर को जलाकर उसे राख करके आया, वो कृतज्ञ अब मेरे कोप से बच नहीं सकता। पर राम ने संकेत भी दिया कि कोई बात संभल कर कहना हो।
ये मेरे तर्कस का तीर, अभी ये जो तीर है संभाल के मैंने रखा है, ये बता देना सुग्रीव को। मार्ग में हनुमान का मिलना और सुग्रीव का ये स्वीकार कर लेना कि हम तो पशु स्वभाव के प्राणी हैं, वानर हैं, स्वभावतः हम तो इंद्रियों के अधीन हैं, मन की मूर्ता और चित्त का चांचल्य या देह जड़ता या विषय आसक्ति बड़ी स्वाभाविक है हम में, हम तो अबोध हैं, अज्ञान हैं, अल्पज्ञ हैं, अजान हैं, जड़ हैं, तत्काल लाभ में जीने वाले प्राणी हैं, तात्कालिक लाभ पूर्ति हमारी अंतःकरण की पहली वृत्ति है कि तत्काल लाभ मिले, वो कैसे ही मिले, कहीं से मिले, हम तो ऐसे प्राणी हैं कि तत्काल लाभ वाले प्राणी हैं, हमें अभी मिल जाए सब कुछ, फिर हम भूल भी जाते हैं, इसलिए ये हमारे स्वभाव के कारण है। और राम तो उदार है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। भगवान ने विस्मृति भी कर दी, जब सुग्रीव कहता है एक मास के अंदर अगर सीता का पता न लगा तो मृत्यु दंड, प्रसंगों में से निकल निकल कर, क्योंकि पूरी कथा में से निकलना है, इसलिए आज तो इसी ढंग से निकलेंगे प्रसंगों में से। जो कहते हैं कि एक मास के अंदर सीता का पता लगाइए, और किस तरह से समुद्र के तट पर वो एक आत्मघाती विचार के साथ बैठे हैं, मुझे हृदय से क्षमा करना, ये सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बार लोगों को आती होगी, कई बार ये आती है जो आत्मघाती प्रवृत्ति है, समय का लाभ न लेना, अवसर हाथ से चूक जाना, अपनी सामर्थ्य ओज ऊर्जा, अपना वैदुष्य, अपनी अंतर ऊर्जा, अपना आत्मविश्वास, अपना ऐन्द्रिक संयम सदाचार, अपना अध्ययन अनुभव, अपना आत्मबल, इसे विसार देना, फिर देखिए कैसी चीजें सामने खड़ी होती हैं। और जो इनका लाभ नहीं ले पाते, बस वो कैसे प्राणी हैं, उन्हें आत्महंता तक कहा गया, उन्हें आत्मछली कहा गया, आत्मघाती कहा गया, कि बस वो जी रहे हैं, सांसें बस हैं, उनके पास देह भर है, उनके पास वो उद्दम भावना या उत्साह या संकल्प या आत्मबल नहीं है। आत्मबल बहुत बड़ा बल है, आत्मविश्वास जैसा कोई और बड़ा बल नहीं हो सकता, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे बड़ी कोई चाबी नहीं हो सकती, और वो उसमें लूज ना हो जाए, वो कहीं आपका विश्वास आप खो ना बैठे, आत्मविश्वास अपना, अपनी आत्म ऊर्जा, जो सेल्फ स्पिरिट है, जो सेल्फ एक खुद का प्राइड है, खुद के होने का जो गौरव है, खुद के होने का जो एक अपना आनंद है, वो खो न दें कहीं आप, कि चीजों में बस चीजें नहीं है तो कुछ नहीं है, हमारे पास वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं है, वाहन नहीं है, भवन नहीं है, और चूंकि पदार्थ नहीं है तो प्रसन्नता कहां से आएगी। ये ध्यान रहे, प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, वो चिंतन सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, विचार सापेक्ष है, कहीं आपका गौरव खो ना जाए कि हमारे पास तो भीड़ ही नहीं है, उनके पास तो कितनी भीड़ है, मेरे पास तो वाहन ही नहीं है, भवन नहीं है, मेरे पास चार व्यक्ति नहीं है, तो चार आदमी खड़े होकर मेरा समर्थन करें और फिर मैं बड़ा बनूं, कहीं मेरा बड़प्पन चार आदमी ढोएंगे। और एक महात्मा तो बड़े आनंद से कह रहे थे, चार आदमी से उठा हुआ है वो मुर्दा होता है, चार आदमियों से उठा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों से उठा, एक बार उठकर देखिए, भीड़ आपका सामना, भीड़ आपके पीछे चलेगी, बापू के लिए किसने लिख दिया, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े उधर पग गोट पग, वो कैसा विश्वासी आदमी, वो डंडी मार्च करता है, लाठी लेके निकल पड़ता है। यूं तो मेरे पास में त्रेता और द्वापर के भी ऋषि हैं उनका उदाहरण देने के लिए, पर मुझे लगा कि ये बात कहूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो लेकर निकल पड़ा डंडी, वो डंडी लेकर निकल पड़ा डंडी मार्च, वो कहता है मुझे निकलना है, और उसके पीछे लोग भागे फिर, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े उधर पग कोट पग, लोग निकल पड़े थे उसके पीछे। एक खुद का भरोसा हो तो पूरी कायनात साथ देती है, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी होती है, इसे एक चीज न खो जाए आपकी,
और उसका नाम है आत्मविश्वास, आत्मबल, खुद के होने का गर्व, खुद के होने का एक गौरव, अपने होने का एक अर्थ वो आपको पता रहे। वो इतने बलहीन अनुभव करने लगे सब और कहने लगे कि ये मर जाना बेहतर है, समुद्र कौन लांघेगा, वो सारे के सारे वो कहते हैं हमारे बस का नहीं है समुद्र लांघ कर जाना, उधर हम नहीं जा सकते। तो वहां वो शिथिल होकर बैठ गए, निराश आ गया है। निराशा आनी नहीं चाहिए आपके पास, निराशा जैसा कोई रोग नहीं है। ये कुछ देर तक रहे तो ये निराशा कुछ देर तक रहे तो डिप्रेशन डिपॉजिट होती रहती है। जो निराशा है वो डिप्रेशन को डिपॉजिट करता है, वो फिर एक अवसाद आने लगता है। इसलिए भगाइए इसे यहां से निराशा को, आशावान बनिए, आशावादी बने। आशावादिता बहुत बड़ी चीज है, एक जो पॉजिटिव अप्रोच है वो बहुत बड़ी चीज है। एक विजय का जो उल्लास है उसके लिए बहुत साधन नहीं चाहिए, विजय के उत्साह में फिर बहुत सामग्री भी नहीं चाहिए होती। विजय का भाव बहुत बड़ा भाव है कि मुझे विजयी बनना है, और इससे बड़ा मंत्र क्या होगा जो शंकराचार्य ने दिया कि न मैं मति हूं, न गुण हूं, न धर्म हूं, न प्रकृति हूं, न देह हूं, न विचार हूं, न प्राण हूं, न मैं अन्न हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक बार कोई वेदांत पढ़ ले तो शेर हो जाता है आदमी। वेदांत पढ़ने के बाद न उसमें भ्रम रहता, न भय रहता, न अवसाद रहता। हाँ, अगर कच्चा पढ़ा है तो भ्रम रहेगा, और सचमुच में जान लिया है तो चुप हो जाओगे, फिर मौन उतर आएगा, क्योंकि सब में अपने को अनुभव करोगे। राम मुझ में कि राम मैं हूं, फिर आप अपने में राम अनुभव करेंगे और सब में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। बूढ़ों की संगति करनी चाहिए, वो कभी कभी इनिशिएट करते हैं, वो स्पार्क करते हैं, कभी कोई मार्ग निकाल देते हैं। ध्यान रहे बूढ़ों से विलग मत हो जाना, ऐसे कहकर उनको मत त्याग देना कि अब इनके पास कोई उत्साह नहीं है, ज्ञान नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी ये नहीं जानते, इनको क्या पता है। वो मार्ग देंगे, बूढ़े मार्ग देंगे। तो एक वृद्ध ने ही मार्ग दिया, वो जामवंत ही कुछ रास्ता निकालता है। वो निराश जब हताश हो गए, एक तो यहां तक कहता है मैं कर तो सकता हूं, मैं जा सकता हूं, लौट कर नहीं आ सकता, उसका नाम है अंगद। वो कहता मैं जा सकता हूं, लौट कर नहीं आ पाऊंगा, ये कितनी बड़ी हताशा है। एक कहता है मैं कर सकता था और हमने तो बहुत कुछ किया है, मैंने तो 7 प्रदक्षिणाएं उस समय लगाई जब भगवान वामन के समय मैंने उनका वो माप रहे थे जग को, और मैं उनकी प्रदक्षिणा कर रहा था, विराट विष्णु की मैंने प्रदक्षिणा कर डाली। ऐसे आपके विनोद के लिए बात सुना रहा हूं, उसको बहुत गंभीरता से मत सुनना। ये जो बूढ़े होते हैं इनको अतीत बहुत याद आता है, बीत गई बातें इनका पीछा नहीं छोड़ती। जो बूढ़े होते हैं उनको अतीत बहुत याद आता है, जो बीत गया है, रीत गया है, भूतकाल है, बहुत याद आता है। उनकी चेतना बार बार कुरेदती है उन परतों को जो कहीं खो गई हैं, काल के गर्त में सिमट गई है। कभी कभी वो कहते हैं हमारे समय सोना इतना सस्ता था, फल इतने सस्ते थे, अनाज इतना सस्ता था, ऐसा था। वो अपना युग बताते हैं, हमारे बीच के हमारे बूढ़े, हमारे ज्येष्ठ जन जो अग्रज हैं हमारे, ये जो बूढ़े हैं इनको स्मृतियां सहलाती हैं, गुदगुद आती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो कभी कई बार आप बूढ़े को पाएंगे कि वो स्मृतियों के आश्रय में रहता है, कई बार उनके सहारे चलता है, वहां से मीठा मीठा आनंद लेता है, अपने बीत गए युग में से एक मिठास लेकर आता है। वो कहता कैसे संबंधों का वो एक निभाने का ढंग था, अतीत में अतीत को कुरेदता है बूढ़ा। और ये युवक कैसा है, इसके पास कल्पनाओं के घोड़े होते हैं। इसे युवक किसे कहेंगे, जो कल्पना और केवल फ्यूचर में रहता है, जो बहुत कल्पनाओं में सपनों में रहता है। तो जो बहुत कल्पनाओं में और सपनों में रहता है वो तो युवक है, और जो बहुत अतीत में खोया रहता है उसे बूढ़ा कहेंगे।
पर ऐसा नहीं है। अतीत कई बार भविष्य के लिए है। और एक दार्शनिक बात कहना चाहूंगा कि हम भूतकाल की उपज हैं, हम भूतकाल की फसल हैं, हम भूतकाल का उत्पादन है, हम भूतकाल का फल हैं। जो बीत गया उसी का तो फल है हम। इसलिए भूतकाल बहुत अधिक प्रेरित भी करता है और उसका प्रभाव भी जीवन में रहता है, वही जीवन को गति भी देता है। तो ये जामवंत कहता है कि हम में है कोई एक जो ये कार्य सिद्ध कर देगा। अयोग्य पुरुषो नास्ति प्रयुक्ता तत्र दुर्लभ। महाभारत कहती है कि कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, जो प्रयोग करने वाले हैं वो दुर्लभ है। इस धरती पर अयोग्य व्यक्तियों की कोई, योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है। मैं तो रात को आदिवासियों के बीच में उनका नृत्य देख रहा था तो बड़ा चकित था। मुझे लग रहा था अफ्रीकी डांस चल रहा है ये, तो क्या उनकी क्या चल रहा था, वो गाते किस ढंग से, उनकी सरलता स्वाभाविकता, उनमें एक प्राकृतिक हर पल वो इतने सहज रहते। तो रात को उनका मैं गाना सुन रहा था या गीत सुन रहा था और उनका डांस भी देख रहा था और मुझे लग रहा था कि कितने ये योग्य हैं, कितने ये अधिक समझदार हैं। अयोग्य पुरुषो नास्ति प्रयुक्ता तत्र दुर्लभ। वो लोग दुर्लभ हैं जो प्रयोग करना जानते हैं। इसलिए जामवंत ने प्रयोग कर लिया। काचप साध रहे बलवाना कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कठिन हो। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, सब संभव है। और अपनी डिक्शनरी में से इसे निकाल कर बाहर फेंकिए। वो जिस भी उम्र का कोई व्यक्ति यहां बैठा हो, बहुत बूढ़े व्यक्ति से ही मेरी प्रार्थना है कि वो असंभव को निकाले। अगर आप मनुष्य हैं तो सब संभव है, अगर आप मनुष्य हैं तो सब संभव है। पाहि न जई परलोक संवारा। देवता तरसते हैं, अशरीरी हैं, देह नहीं है देवताओं के पास। देवता दो काम नहीं कर सकते, कर्म की स्वतंत्रता उनके पास नहीं है, यजन भजन नहीं कर सकते, इस धरा पर आकर कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, देह साधन नहीं है उनके पास, अशरीरी हैं वो। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में बैठे हैं और कई बार वो ललचाते हैं कि एक बार फिर से देह मिले तो हम ये करें। इसे मनुष्य होना बड़ी चीज है। आओ ऐसा पाल ताने कि आंधी ऊर्जा बने, कुछ ऐसा पाल तानिए कि आंधी एनर्जी बने, ऊर्जा बने। और वो बड़े चतुर खिलाड़ी होते हैं जो अपनी बेड़ी या बेड़े या नाव को लेकर निकलते हैं। वो किस जज्बे और जोश के साथ निकले होंगे लोग जो नई धरती खोजने निकले थे, क्या जज्बा रहा होगा वो में। संयोग से वो जहाज मुझे देखने को मिला है, वो जहाज जीर्ण शीर्ण जहाज में देख आया हूं कि जहाज से वो निकले थे। जज्बा क्या रहा होगा, क्या जोश उनके पास में, क्या जुनून उनके पास में, क्या योत्सा उनके पास में, वो नई दुनिया देखने निकले थे। मैंने कल्पना की कि वो फिर क्या हुआ होगा जब प्रतिकूल पवन चली होगी तो आंधी कैसे उन्होंने ऊर्जा बनाई आंधी को। तो ये जो पाल तानने वाले लोग हैं, जो सेलिंग करते हैं, जो निकल पड़ते हैं समंदर में, तो वो वायु की गति पवन के प्रभाव को अनुभव करते रहते हैं और उसी दिशा में पाल तान देते हैं। पाल उस दिशा में तानना है जिस दिशा में वो प्रतिकूल पवन आ रही है, फिर ध्यान रखना वो नाव और तेजी से चलती है। ये पंक्ति घर में जाकर लिखना अपनी डायरी में कि आओ ऐसा पाल ताने कि आंधी ऊर्जा बने। आंधी को ऊर्जा बनाइए, जिसे आप कहते हो प्रतिकूल पवन है उसी में से आप निखर कर आएंगे, प्रतिकूलताओं में से ही। एक बार बाहर निकलिए, छलांग लगाइए, तट पर आइए और बहती हुई चीजों को अपने में देखिए, उनका हिस्सा मत बन जाओ, कुछ चिंता मत बन जाओ, नहीं नहीं कुछ रोग मत बन जाइए। वो जो आप में चल रहा है, जो बहुत ही नेगेटिव है, उसका हिस्सा मत बनिए, बाहर निकलिए, उसे चलने दो, बहने दो अपने भीतर। और आप बाहर निकल कर आए फिर आनंद लें कि अच्छा अपने अंदर इतना भी कचरा है, ये भी बह रहा है अपने अंदर, देखिए। काचुप साध रहे बलवाना, हनुमान को प्रेरित किया। कनक भूदराकार शरीरा, उसको फिर जामवंत के वचन अच्छे लगे। सुंदरकांड यहां से शुरू होता है, जामवंत के वचन सुहाए, अच्छे लगे वचन।
प्रेरित कर दिया जामवंत ने। यहां से सुंदर बातें शुरू होती हैं, यहां से उत्साह आरंभ होता है, भक्ति की सुध लेने जा रहा है वो, और विजय का उल्लास कितना, उस उल्लास और उस अजेय और अनथक उसकी चेतना को और टटोलने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए सुरसा, रस्ते की चीजों से उलझो मत, उलझे मत रस्ते में, निकल पड़े तो उलझो मत। उधर उत्तर भारत में गंगा के किनारे की घटनाएं कि कोई आदमी गंगा नहा कर आया और प्रसाद बांटने लगा, तो एक ऐसे ही किसी जड़ प्रकृति के व्यक्ति ने पूछ लिया, और क्या हाल है गंगा के किनारे? तो उसने कहा गंगा के किनारे सब कुछ अच्छा है, पर एक आदमी वहां बैठा है मोटा सा डंडा लेकर, वो नहाने नहीं देता। अच्छा मैं देखकर आता हूं। तो कई महीने के बाद लौटा और उसे ढूंढ रहा था कि वो कहां गया आदमी जिसने बताया था कि गंगा के किनारे डंडा लेकर बैठा है, लठ लेकर बैठा। उसे पूछा भाई आपने ऐसे बताया कोई लठ लेकर बैठा है नहाने नहीं देता वो? तो मैंने तो बहुत ढूंढा वहां कोई मिला नहीं, बल्कि दोनों किनारे मैंने छान लिए, मीलों मैंने यात्रा की है, कहीं नहीं मिला मुझे वो आदमी। तो उसने कहा कि आपने गंगा स्नान किया क्या, आप नहा कर आए? बोले मैं नहा कर तो नहीं आया, मैं तो उसे ही ढूंढता रहा बस वहां पर। बोले वो आपके भीतर ही बैठा है। कई बार हमारे भीतर कोई ऐसा आदमी बैठा है जो यात्रा में उलझता है कि यहां के पंडे ऐसे हैं, घाट ऐसे हैं, टीटी ने ये कह दिया, डब्बे में सवारी ऐसी है, स्टेशन पर कचरा कितना है, म्युनिसिपैलिटी यहां की ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, गवर्नेंस नहीं है ढंग की, गुड गवर्नेंस नहीं है, ऐसी ऐसी बातों में उलझते हुए कुछ लोग यात्रा का आनंद बिगाड़ देते हैं। भाई जहां पहुंचना है उधर ध्यान रखिए, आपको कहां जाना है उस पर ध्यान दीजिए, अब बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। वो उलझने लगे हनुमान, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, रस्ते में उलझो मत। और एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कुछ लोग निकलते हैं घर से और वो कहते हैं, बड़े शहरों के लोगों की बात बता रहा हूं, जैसे मेट्रो सिटी, जैसे मुंबई दिल्ली, तो वहां लोग पता है क्या कहते हैं, ये हमारा स्टेशन आ गया, वो आपका स्टेशन है, वो अब तो उसका नाम वीटी हटकर कुछ और हो गया, वो हमारा स्टेशन है, ये आपका स्टेशन है। फिर अपना स्टेशन कहते हैं, ये मेरा स्टेशन है, वहां पर कहते हैं अब ये मेरा प्लेटफॉर्म है, और फिर अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहते हैं मेरी गाड़ी आ रही है। तो स्टेशन कब का छूट गया, कोई स्टेशन से लेना देना नहीं, अब प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं, कहते हैं मेरी गाड़ी आ रही है, मेरी ट्रेन आ रही है, अब मेरी ट्रेन आ गई, अब कहते हैं मेरा डब्बा है, ये मेरा डब्बा आ गया। अब डब्बे, अब प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं, गाड़ी से कोई लेना देना नहीं, अब प्लेटफॉर्म छूट गया, गाड़ी आ गई, मेरा डब्बा आ गया, मेरे डब्बे में अब पता क्या ढूंढ रहा है, मेरी सीट, मेरी सीट आ गई। तो कोई अटैचमेंट नहीं रही स्टेशन से, कोई मोह नहीं रहा प्लेटफॉर्म से, डब्बा भी बिसर गया, अपनी सीट से मतलब है, सीट पर बैठे और उस पर कोई बैठकर दिखाए, उस सीट पर महाराज को रुमाल रखकर दिखाए, फिर देखो आपका संयम कितना है, कितने परोपकारी हैं, कितनी पुण्य आत्माएं, धर्म आत्माएं, चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, फिर अपनी अग्नि को तोल कर देखो वो कितना टेम्परामेंट है, फिर आप कहते हैं मेरी सीट है भैया, मेरी सीट है, अब क्या रख यहां सामान ही रखिए। तो वो कहता है कुछ देर के लिए बैठने, तो ना 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 ये मेरी सीट है, हमने रिजर्व कराई बहुत दिनों से, अब चलिए आपका स्टेशन आ गया, कहां जहां पहुंचना था, तो अभी आया नहीं है, अभी 2-10-20 किलोमीटर रहता है, आपने अपना बैगेज बांध लिया, अब तैयार है उतरने के लिए, तो आप फिर धर्मात्मा बन जाते हैं, लोकल सवारियों को सीट देना शुरू करते हैं, बैठ जाइए कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठ सकते हैं बैठे, फिर आप में दान की भावना जगती है, पुण्य, आपको लगता है आप धर्म कमाओ, अब ये सीट दान कर दीजिए, तो आप कहते हैं कि बस दीजिए, बैठिए बैठिए थोड़ा बैठिए ना, अटैचमेंट इतनी है। हनुमान कहता है मुझे नहीं उलझना इसमें, ये ठीक नहीं है, ये अहंकार दिखा रही है, बड़प्पन दिखा रही है, मुझे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बड़प्पन का प्रदर्शन क्या करूं मैं, क्या बताऊं मैं कितना बड़ा हूं, अपनी ऊंचाइयां बताऊं मैं,
अपना पराक्रम इसके सामने नाप नाप कर दिखाऊं, मैं कितना बड़ा हूं? क्यों दिखाएं हम नाप कर? पर हनुमान को लगा कि ये ऐसे ही मानती है, तो मैं जरा दिखाऊं इसे। पर हनुमान को लगा कि ये खेल ठीक नहीं है, कि इसमें उलझ जाऊंगा मैं, मुझे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और इसकी लंबाई चौड़ाई तो और बढ़ती जाती है, और मैं कितनी लंबाई चौड़ाई बढ़ाऊं, मैं कितना बताऊं कितना बढ़ाऊं। इसलिए छोटे से हो गए मस्तक, छोटे छोटे, अति लघु रूप, बहुत छोटे हो गए। उसके रोम रोम में रमने लगे। फिर वो आशीष देकर चले गई, बस मैं यही जानना चाहती थी। और कैसे वो सिक्योरिटी सिस्टम लंका के, कि समुद्र में ही रावण ने छा पकड़ने वाली, छवि को पकड़ने वाली, छाया को पकड़ने वाली, वो अभियांत्रिकी, वो कैसी टेक्नोलॉजी, वो किस तरीके की, वो उनकी प्रणाली, रडार प्रणाली, कि कौन जा रहा है वहीं कि वहीं उसकी उड़ान बाधित हो जाए, कौन जा रहा है। वो निश्चिंत होकर बैठा था वहां कि समुद्र की ऊपर से कोई परछाई भी जाती है और लगे कि वो कोई अपरिचित अजान और वो कोई छाया अहित कर सकती है हमारा, तो वो रडार के अंदर आ जाए और वहीं जाम हो जाए। वो कोई ऐसी वहां एक निशाचरी बैठी है, कल्पना तो करके देखिए। और वो हनुमान ने एक पल के अंदर वो सारा सिक्योरिटी सिस्टम उनका ध्वस्त कर दिया और उसे डिकोड करके वो निकल गए। अब वो थोड़े सावधान है कि अब लंका में जाना है, पर वहां भी पहचान लिए गए। मोर आहार जहां लग चोरा, अरे कौन है जो निश्चिंत होकर जा रहा है? हनुमान से थोड़ी भूल कहें या संतों का स्वभाव कहें, वो अपने स्वभाव से प्रतिबद्ध है हनुमान। तो हनुमान को राम 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 कहते हुए लंका में घुसने की क्या जरूरत थी? भाई कुछ देर के लिए जब बंद कर देते, प्रवस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, वो सिमरन करते हुए जा रहे हैं। लंकई चले सुमिर नर हरि, वो भगवान का स्मरण करते हुए राम 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 करते जा रहे हैं। और लंकनी कहती है, जाने नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। वो अब भी चीजें ऐसी आ गई हैं कि आप जाएं, और पश्चिमी देशों में तो लगभग अब वो बड़े जो कन्वेंशन सेंटर हैं वहां पर ये चीजें आ गई हैं। कुछ 5-6 जगह ऐसे आ गया है कि वो एक बार बस केवल एक स्थान पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही वो आपका वो पूरा सारी अंतर की सब चीजों को वो प्रक्षेपित कर लेते हैं, एक एक आपका फोटोग्राफ ले लेती है वो मशीन। फिर आपको कोई कार्ड नहीं लगाना है, कोई आपको कुछ नहीं चाहिए, और बेरोक टोक आप जा सकते हैं। इसलिए आपको पास सिस्टम, 2-3 कन्वेंशन सेंटर ऐसे हैं वहां नहीं रहे, आप जा सकते हो। मशीनें पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति जा सकता है, कार्ड की भी अदला बदली ना हो, इस तरह से आ गया है वो। तो हनुमान को पहचान लिया कि कोई अपरिचित है, अजान है लंकनी। मुष्ट का एक महाकपि हनि, और निर्बाध होकर वो जाते हैं लंका में। मंदिरों की चर्चा है लंका में, मंदिर प्रतिकर सौधा, मंदिरों में योद्धा रहे, मंदिरों में बारूद रहे, मंदिरों में अस्त्र शस्त्र रहे, ये अच्छी चीज नहीं। चौंक गए, ये क्या है? गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाई। वाल्मीकि रामायण में तो लिखते हैं वाल्मीकि वहां वो सुरापान करके बेसुध होकर लेटा है, पर तुलसी बहुत संयम के साथ लिखते हैं। वो इतने लिखते हैं, वो बात बताने लायक नहीं है कि किस ढंग से वो मद्यपान करके और बेसुध होकर, अचेत होकर, एक पशु की तरह से उसकी नींद है। मंदिरों की चर्चा, लंका के मंदिरों की चर्चा।
मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा वह योद्धा दिखाई दिए, वह सामरिक नीतियां बनाने वाले लोग थे वो। लेकिन एक मंदिर जैसा कुछ हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदा। रामायुध अंकित ग्रह, ये बड़ी चीज है कि जो राम के आयुध हैं वो द्वार पर हैं, धनुष बाण विभीषण के द्वार पर। विभीषण कहता है कि ये उद्धारक हैं, ये संहारक हैं, कल्याणकारक हैं, मारक भी है, वो प्रेरक भी है, वो तारक भी है। धनुष बाण रामायुध अंकित ग्रह माड़ना, क्या कहेंगे उसे कि द्वार पर कभी कभी बहु बेटियां माताएं कुछ कुछ चिन्ह बना देती हैं, स्वास्तिक चिन्ह, कोई हाथ का चिन्ह, भित्ति चित्र द्वार पर, शुभ संकेत, शुभंकर, कोई लकी साइन, शुभ शगुन, शुभंकर। कल्पना करके देखो विभीषण ने अपने द्वार पर क्या लिखा हुआ है, रामायुध धनुष बाण अंकित ग्रह शोभा बरनि न जा। द्वार पर वेपन्स और फिर शोभा कैसे हो सकती है, द्वार पर अस्त्र शस्त्र और शोभा कैसे हो सकती है। धनुष बाण दरवाजे पे रखे और उसे वो चित्रित करे, भित्ति चित्र बनाए धनुष बाण का, इसमें शोभा क्या हो सकती है। पर तुलसीदास जी लिखते हैं हनुमान को वो शोभा दिखाई दी क्योंकि वो रक्षक हैं। वो किस भाव से रखे गए कि इन्हीं में त्राण है समूची नैसाचरी जाति का उद्धार करने वाले। अगर कोई चिन्ह है मेरी लंका का कल्याण करने के लिए, कोई चिन्ह है तो वो धनुष बाण है राम के, इनसे नैसाचरी जाति का उद्धार होगा, नैसाचरी जाति का मंगल अगर कहीं होगा ये धनुष बाण से होगा। ये धनुष और बाण है जो मंगल करेंगे मेरे राष्ट्र का, राम मंगल करेंगे मेरे राष्ट्र का। कौन सी चीज से मंगल करेंगे, धनुष बाण से। राम मेरे यहां जब आएंगे लंका में तो राम की कौन सी चीज संभाल के रखी है, धनुष बाण। इसलिए वो धनुष बाण हमें आतंकित नहीं करते। वो हनुमान की गदा, शिव का त्रिशूल अथवा वो दुर्गा के अस्त्र शस्त्र खंग भंग भेरी भिंदीपाल त्रिशूल, वो कहां हमें वो उनका अंकुश हो या उनका वो पुष्प बाण हो कहां आतंकित करता है। नव तुलसी का वृंदत है, तुलसी की उपासना मिली और आधी रात के समय भी या निशासर भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, कि आधी रात को भी कोई जगा हुआ है और भगवत भजन में लीन है, इसका अर्थ है कि कोई भक्त है। साधु तो होए न कार जहानी, धन्य हनुमान। एक ही रात में क्या उन्होंने कर दिया कि लंका में अपने लिए जगह बनाई और वहां के गृह मंत्री को अपने अनुकूल कर लिया। वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ना और उसमें विभीषण की क्या स्थिति है पता लगेगा। सारी नीतियां बाहर की, घर की, आंतरिक, सामरिक, वाणिज्य की, सीमाओं की, उद्योग की, सब उसके पास थी। तो जो नेक्स्ट टू रावण है, जो रावण के बाद है, इतना बड़ा अधिकारी वहां का, उसे अपने अनुकूल कर लेना रातों रात। उसे यह बता देना कि दोनों चीजें प्राप्त होने वाली, यही लोक का परलोक की सिद्धि, इस लोक में तेरा सम्मान और ये राज्य की प्राप्ति और परलोक में भी सिद्धि, यही लोक और परलोक की लक्ष्मी तेरे हाथ लगने वाली है। राम के अनुगत होने का, राम के शरणागत होने का अर्थ यह है। और वो कहता है मैं इसे जानता हूं इसलिए समर्पित हूं। जब देखा कि उसमें पूरा समर्पण है तो हनुमान पूछते हैं तू रहता कैसे निशाचरों के बीच में,
इन दुष्टों के बीच में तेरी संगति कैसे बनी हुई है? सुनो पवन सुत रहन हमारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, मैं इस तरह से योग युक्ति से रहता हूं इन दुष्टों के बीच में। मेरी पुत्री त्रिजटा सीता की सेवा में है, और अशोक वाटिका तक का जिसने पता बता दिया वो है विभीषण, जो अंतर का भेद ले ले वो हनुमान है। ज्ञान में इस तरह से वृद्धि हो आपकी कि वो कार्य सिद्धि में विलंब न हो। कार्य सिद्धि में अगर विलंब है तो साधना में, ज्ञान में, अध्ययन में, अनुभव में, आपके संयम में, सहनशीलता में कहीं कोई कमी है। अगर विलंब हो रहा है, त्वरित निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है विवेक का अभाव है, विचार का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। तो विभीषण को अपना बनाकर और वो अशोक वाटिका तक रावण और सीता के संवाद सुनकर स्वाभाविक रूप से दुखी हुए हनुमान, लगा कि एक बार मुष्टिक प्रहार कर इस आतताई के वक्षस्थल पर पद प्रहार कर प्राण छीन लूं। निशाचर रावण के, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी एक सुंदर सी चौपाई लिखते हैं और उसके नए अर्थ बताने का मेरा मन है। आज मिलकर गाएंगे चौपाई। तरु तरु पल्लव महारालुकाई, करहीं विचार करूं का भाई। करहीं विचार करूं का भाई, करहीं विचार करूं का। तरु पल्लव में छुपकर, पल्लवों की ओट में हनुमान। एक मैं नए अर्थ बताने के मन से आपके साथ अपनी बात कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि विद्वान नहीं है, योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, जयी नहीं है, पुरुषार्थी और पराक्रमियों का अभाव है, शिक्षाविद नहीं है, नेतृत्व अच्छा देने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। पर ध्यान रखना, वो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पल्लवों की ओट में बैठे हैं वो, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, वो पल्लवों की ओट में हैं। जो ये आज की परिस्थितियां हैं, जो आज की स्थितियां हैं, इनमें कोई अच्छा देने वाला नहीं, को भरोसा कैसे दें कि मैं रामदूत हूं, तेरा पुत्र हूं। और उभेद की बात राम ने हनुमान को बताई थी। अद्वैत मत का एक ही मर्म है और वह अभेदोपासना। जो अद्वैत मत है, जो नॉन ड्वेलिटी, आद्य शंकर का जो ये मत, जो अकाट्य मत है, जिस मत के प्रभाव से शिकागो में गुरजना की विवेकानंद, वो कौन सी फिलॉसफी थी जिसके सामने टिक नहीं पाया कोई? ये नॉन ड्वेलिटी, ये अद्वैत मत, कि वो एक ही ईश्वर है, कोई दो नहीं हो सकते, खुदा दस बीस नहीं हो सकते, एक है कोई ईश्वर, एक एक नूर, एक कोई एक को हम बहु श्याम को एक ईसा वास्यमिदम सर्वम, एक कोई अयम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशा स्थिता, कोई एक। और उसका भेद कभी कभी
अधिकारी को दिया जाता है, हर किसी को नहीं। इसलिए राम ने भेद खोल दिया था हनुमान के सामने। और आप जरा कल्पना करके देखिए कि वो अंगूठी कब चुपके से पकड़ा दी राम ने हनुमान को। हनुमान ने कहा ठीक है मैं ऐसा करूंगा। ये उसी समय सिद्ध हो गया था कि हनुमान लंका में जाएंगे। जब अंगूठी हनुमान को दे दी राम ने कहा कि ये अंगूठी हनुमान लेकर जाना और सीता मिले, ये अंगूठी उनको दे देना। और ये ध्यान रहे, इस अंगूठी की कहानी भी सुना दे। ये कोई अंगूठी है, ये एक कोई बड़ी चीज है, ये मेरे और सीता के बीच की कोई चीज है, और कोई नहीं जानता है। इस अंगूठी के पीछे कोई एक रहस्य है, ये अंगूठी उसे दे देना। प्रभु मुद्रिका मैले मुख माही, जलद लांग गई अचरज नाही। कोई बड़ी ज्ञान की बात, कोई भेद की बात, कोई मर्म की बात हनुमान को बताई राम ने। राम ने कैसे संभाल के रखना, कोई बहुत कीमती बात है ये। प्रभु मुद्रिका मैले मुख माही, कि इधर उधर ना हो जाए, उत्साह में मुंह में रखा, वो कहीं मेरे मुंह से तो निकल नहीं सकती। एक और बात है, कोई ऐसी बात जो मुंह में ही रह सकती है, बाहर नहीं निकल सकती ज्ञानी के। कोई एक कोड, कोई एक बड़ी बात, कोई सीक्रेट जो बहुत सीक्रेट रख सके, उसी को सेक्रेटरी कह सकते हैं। सचिव वही है जो सीक्रेट रख सके, जो रहस्य रख सके। हनुमान को बताया था राम ने कि ध्यान रखना, ये संभाल कर रखना, कोई एक चीज है और सीता मिले तो ये दे देना। इससे एक बात होगी, सीता अपने मन की बात कह देगी तुझसे, क्योंकि सीता के मन में क्या चल रहा है, सीता से मिलकर नहीं आना, सीता के मन में क्या है वो मुझे आकर बताना। और सीता का मन तभी खोला जा सकता है जब ये रहस्य तू सीता को बताए। वो पहला दिन सीता का जब अयोध्या में आई, सरयू को प्रणाम कर, और कौशल्या ने आरती उतारी उनकी, और वो अयोध्या में प्रवेश हुआ उनका। गुरु पत्नी अरुंधति ने माथा चूम लिया, वामदेव जाबाली सतानंद विश्वामित्र वशिष्ठ उन्हें आशीष देते हैं, समूची ऋषि और गुरु परंपरा ने उनके मस्तक पर अक्षत कुमकुम ऐसे हल्के हल्के लगाए, ये कहकर के ये आशीष अक्षत हैं। और इस समय पूरा दिन ढल गया, अब सांझ हुई और राम और सीता निपट एकांत में हैं। तो पहला दिन सीता और राम का, पहली संध्या, दोनों ने मिलकर सांध्य दीप जलाया, डूबते सूर्य को प्रणाम किया, चंद्र का आदर किया। और अब रात का प्रथम प्रहर है जिसमें राम आह्लादित हो गए। राम ने प्रथम रात्र के प्रथम प्रहर में सीता से कोई बात कही, सीता से उन्होंने कहा कि मैं राम, और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं नहीं जानता, लेकिन सीते ये हमारा प्रथम दिन, हमारे पहले क्षण हैं जब हमारे संवाद आरंभ होंगे, जीवन आरंभ होगा। तू भारिया मेरी धर्मणी सहगामिनी भामिनी धर्मपत्नी वांग संभूता कांता प्रिया, इसलिए मेरा मन कहता है कि मैं एक उपहार कोई दे दूं आपको। आज ये पहले पल उपहार के पल होंगे। मैं राम स्वभाव के वशीभूत हूं, देने की आदत है, और वो मैं आपको कुछ देकर फिर संवाद आरंभ करेंगे। सीता ने आंचल पसार लिया, सीता तो आनंदित हो गई, उन्हें लगा कि भगवान कुछ दे रहे हैं, पता नहीं क्या दे देंगे। वो आंचल पसार कर खड़ी हो गई एक भिक्षुणी की तरह से, जैसे कोई एक भिक्षुणी खड़ी हो जाती है। लंबा सा आंचल पसार दिया, सीता ने कहा हां हे स्वामिन, हे नारायण, हे जगन्नाथ, हे विश्वंभर, हे बद्री विशाल, हे नरसिंह, आप क्या देना चाहते हैं, अभी तक मैं नहीं समझ रही। लंबा आंचल पसार दिया, सीता ने कहा हां ये झोली मेरी खाली है, भर दीजिए, क्या देना चाहते हैं। सीता को लगा राम विनोद कर रहे हैं, तो मुझे विनोद का हिस्सा हो जाना चाहिए।
तो राम ने कहा देख ये पहले पल है और राम शपथ खाता है सूर्य की दिशाओं की गुरु परंपरा की अपने इष्ट की राम सत्य की शपथ खाकर कहता है कि राम के जीवन में कोई दूसरी पत्नी नहीं आएगी ये सौगंध खाता हूं ये वचन उपहार में तुझे देता हूं। सीता की आंखें गीली हो गई पता नहीं क्यों कह दिया राम ने कि मेरे पिताजी की तो तीन पत्नियां हैं नहीं जाने पता नहीं क्यों राम ने ऐसा कह दिया समझ नहीं आया राम ये क्यों कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में सीता एक सत्य आप सीता हैं और कोई दूसरी छवि मेरे मन में नहीं आएगी बस यही उपहार देना था। अब राम में भी एक अलग चीज उतर कर आई राम ने कहा सीते आपको भी कुछ देना होगा ऐसा नहीं होगा परस्पर भावे अंत मैंने कुछ दिया अब आप दीजिए आपकी ओर से भी कुछ मुझे मिले खाली हाथ मैं भी नहीं रहूंगा। सीता कहने लगी कोई फल फूल द्रव्य वस्त्र आभूषण परिधान मैं नहीं दूंगी उन सब में तो आप समाये हुए हैं कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें आप नहीं हैं कण कण में कोने कोने में हर पल में हर जगह ब्रह्म तू समाया है हे नारायण आप सर्वत्र व्याप्त हैं इसलिए कौन सी आपको मैं आपकी चीज दूं वो नहीं दूंगी मैं लेकिन हाँ मैं फिर भी कुछ दूंगी आप मांग रहे हैं तो भगवान ने हाथ पसार लिए दो कुछ आप भी उपहार दो सीते संबंधों में परस्पर उपहार अच्छा लगता है देना लेना सारोकार इसे सिद्ध होता है लेन देन से। तो सीता ने कहा कि हे देव मैं आपको एक नया नाम देती हूं और मैं उसी से आपको पुकारा करूंगी पर शर्त यह है कि वो नाम कोई और नहीं लेगा वो नाम कोई और नहीं पुकारेगा खाली मैं पुकारूंगी उसका भेद किसी और को नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा कौन सा नाम रखोगी तो सीता ने कहा कि आप करुणा से द्रवीभूत हो जाते हैं और फिर किसी के पाप नहीं देखते गुण दोष नहीं देखते उसे तार देते हैं हे करुणा निधान मैं आपका नाम रखती हूं करुणा निधान